आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही जारी है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सदन में फिर से गूंजा। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सवाल पूछते हुए कहा कि सदन के आश्वासन के बाद मुख्यमंत्री क्या कदम उठा रहे हैं, सदन में वे इसकी जानकारी दें। कमलनाथ ने यह भी कहा कि हमारे स्थगन प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, ओबीसी सीट्स पर आरक्षण बगैर चुनाव नहीं कराने का आश्वासन दिया था। इसके अलावा कमलनाथ ने आईएएस कल्पना श्रीवास्तव के तबादले का भी मुद्दा उठाया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मध्य प्रदेश आएंगी, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि कल सदन में सीएम शिवराज ने ओबीसी आरक्षण पर क्या कहा था, फिर उसके बाद आपको नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की प्रतिक्रिया भी सुनाएंगे। अब आपने कहा हमने क्या किया, मैं वो भी बता देता हूं। आज का विषय लिखा है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ओबीसी के हितों पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात ना हो, इसके हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि केवल उन प्रकरणों में ओबीसी आरक्षण जिनमें न्यायालय ने स्थगन दिया है उनमें 14% रहेगा, लेकिन जिन स्थगन नहीं दिया उन्हें 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला हमने किया। और उसके उदाहरण में मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल में हमने 8,828 पदों पर भर्ती की है और मुझे कह दिए गए में 27% आरक्षण हमने दिया है शासकीय नौकरियों में भर्ती कर दिया। राज्य सरकार दिसंबर 2021 से 2022 तक भी 23,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने जा रही है, उनमें भी 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस सरकार की सदैव से ये नीति रही है सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ हर समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। और इसलिए चाहे मामला ओबीसी के कल्याण का हो, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण का हो, यहां तक के सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण अगर दिया तो भारतीय जनता पार्टी सरकार भी सामाजिक न्याय सामाजिक समरसता के साथ उसके एक ही अनेक उदाहरण जहां तक ओबीसी का सवाल है, मैं पहले ही अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करता हूं। हमने पिछले वर्गों के कल्याण में ना तो कोई कसर छोड़ी है और ना कोई कसर छोड़ी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, आप एडवोकेट जनरल है, कोई तरफ और तरफ क्यों नहीं रखे? फिर मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि उस स्टे के खिलाफ आपने क्या किया ताकि ओबीसी 27% आरक्षण मिल जाना। क्या आप हाईकोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट गए, जैसे अभी आप चले गए थे रोटेशन के मामले में, और रोटेशन भी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, रोटेशन भी तो आरक्षण का ही होता है, एससी की बजाय एसटी हो जाए, एसटी की बजाय सामान्य हो जाए, रोटेशन और आरक्षण मेरे स्वर्ग के बारे में बात बोल। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं क्यों पिछले वर्ग की पीठ पर चुनाव भोपा गया, क्यों उस स्टेट को बैकेट नहीं कराया गया, क्यों आप हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए? आपने चुनाव निकल गया, परिणाम भी सामने आ गए, आप चुपचाप बैठे रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 मार्च से लेकर 18 मार्च तक आपकी सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी गई, ना केवल डायर की ना वकीलों के निर्णय के पक्ष में, वकीलों ने निर्णय के पक्ष में न्यायालय में उतर के कोई अपील नहीं की और उसका खामियाजा पिछले वर्ग को भुगतना पड़ा। आपके शासनकाल में एक भी नौकरी मिली हो तो बता दो, एक भी नौकरी मिली हो 27% आरक्षण के माध्यम से कोई चुनाव नहीं होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि आरक्षण होगा, यही हमारी मांग थी। मैंने तो मुख्यमंत्री का सदन में धन्यवाद किया कि आपने हमारी मांग स्वीकार करी है। सदन में ये आश्वासन दिया
तो मैं तो आज मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने सदन में आश्वासन दिया है उसके बाद क्या कदम आप उठा रहे हैं? आप सदन में आके ही इसकी घोषणा करिए और हम तैयार हैं, हमसे जो मदद हो सकती है। आप कोर्ट जा रहे हैं, अगर आप चाहेंगे हम भी कोर्ट चले जाएंगे। मेन मुद्दा कल का तीन थे, परिसमन, आरक्षण और रोटेशन। परिसमन और रोटेशन संविधान में इसका प्रावधान है, वो तो कानूनी करना है। पता नहीं किस बात के कारण ये भाग रहे थे। जो अधिकारी सही बात करना चाहता है, भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा है, उसकी ट्रांसफर हो जाती है। कल्पना श्रीवास्तव जी का ट्रांसफर क्योंकि छुट्टी के दिन हुआ, ये न्यूज बन गया। आप लोग तो इसको न्यूज बनाते नहीं है कि भ्रष्टाचार क्या हो रहा है, किसी से छिपाए और भी है। हाँ, भ्रष्टाचार जो हो रहा है, भ्रष्टाचार की अब व्यवस्था बना ली है, डिपार्टमेंट ऑफ भ्रष्टाचार। मैं भी जाऊंगा, अभी भी आगे जाने का प्रोग्राम है। और जो कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर था, प्रियंका जी ने जो उत्साह पैदा किया, मैंने बहुत प्रदेशों का दौरा किया है, पर जो मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में उत्साह है, और जो महिलाओं, खास करके महिलाओं जो जुड़ रही हैं कि मैं महिला हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, ये मैंने प्रियंका जी को मध्य प्रदेश भी आमंत्रित किया है और जल्दी ही उनका प्रोग्राम बनेगा।